अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार इतिहास रचता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मिशन शक्ति के बाद अब इसरो ने ऐसा उपग्रह प्रक्षेपित किया है जो दुश्मन के रडार का पता लगाने और नजर रखने में भारत के लिए बेहद अहम साबित होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इनमें भारत का एमीसैट, 24 अमेरिका के, 2 लिथुआनिया के और 1-1 उपग्रह स्पेन और स्विट्जरलैंड के हैं। बता दें कि इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जो 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित करेगा। ये लॉन्चिंग 1 अप्रैल 2019 की सुबह 9:27 पर पीएसएलवी C-45 रॉकेट की मदद से की गई। पीएसएलवी बेहद भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल माना जाता है और यही कारण है कि ये पीएसएलवी की 47वीं उड़ान होगी। आपको बता दें कि जून 2017 में अपनी 39वीं उड़ान के साथ पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना। 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने पीएसएलवी के पावरफुल एक्सल वर्जन का इस्तेमाल किया था। 2008 में मिशन चंद्रयान और 2014 में मंगलयान भी इसी के जरिए पूरे हो पाए थे। आपको बता दें कि एमीसैट का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के लिए किया जा रहा है। एमीसैट सैटेलाइट सीमा पर नजर रखने में काफी मददगार साबित होगा। एमीसैट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाएगा और इसके जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ ही उनकी लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। इसका खास मकसद सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरह की मानवीय गतिविधि पर नजर रखना है। एमीसैट का वजन 436 किलोग्राम और बाकी 28 उपग्रहों का कुल वजन 220 किलोग्राम है। ये पूरा अभियान 180 मिनट का बताया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पहले 17 मिनट पूरे होने पर पीएसएलवी ने 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर एमीसैट को स्थापित किया। इसके बाद चौथे चरण में लगे सोलर पावर इंजन को चलाकर करीब 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाया जाएगा और यहां 28 विदेशी सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे। चौथे चरण में ही रॉकेट को 485 किलोमीटर ऊंचाई पर लाकर 3 प्रायोगिक पैलोट की मदद से चंद्रयान 2 अभियान से जुड़े कुछ खास प्रयोग किए जाने हैं। इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जिसे आम लोगों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है। 1000 लोगों ने इस लॉन्च को लाइव देखा है। इसके लिए इसरो ने गैलरी तैयार की है जहां से 2 लॉन्च पैड दिखाई देते हैं और जिसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं।